बिरला नगर पालिका क्षेत्र में दो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स मालिकों ने स्वीकृति से ज्यादा निर्माण कर दिया, जिसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। पार्षद एजाज शेख ने बताया कि व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए मालिक रतनलाल सोनी ने भवन निर्माण स्वीकृति के लिए फाइल लगाई, जिसमें 2000 वर्ग फीट का आवासीय पट्टा इंद्रास था, जिसमें पालिका ने 607 वर्ग फीट जमीन को आवासीय से व्यावसायिक वर्ग में परिवर्तन करने के लिए 72,900 रुपए लिए। वहीं अन्य निर्माण सहित कुल 1,03,000 रुपए पालिका में जमा करवाए गए। इसके उलट कॉम्प्लेक्स मालिक रतनलाल सोनी ने वर्तमान में करीब 4,650 वर्ग फीट जमीन पर निर्माण कर चुका है, जिसमें सभी दुकानें ही निर्माण हुई हैं। इसी तरह श्रीजी प्लाजा के लिए पालिका में मांगीलाल साहू, सुखलाल साहू, कमला देवी साहू ने निर्माण स्वीकृति की फाइल लगाई थी, जिसमें व्यावसायिक जमीन का पट्टा पेश किया, जिसमें 2,325 वर्ग फीट जमीन उल्लेख थी। इस जमीन में से मालिकों ने 930 वर्ग फीट जमीन पार्किंग के लिए त्रिकोण जमीन छोड़ी थी। इसके बाद शेष रही करीब 1,395 वर्ग फीट जमीन पर ही निर्माण होना था, लेकिन पालिका कर्मचारियों की मिलीभगत से 3,780 वर्ग फीट पर स्वीकृति दे दी गई, जबकि वर्तमान में उक्त कॉम्प्लेक्स का निर्माण करीब 5,200 वर्ग फीट पर हो चुका है। दोनों निर्माणों से पालिकाओं को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इधर पालिका अध्यक्ष हेमंत तेली ने दोनों निर्माणों की जानकारी होने से इनकार कर दिया। उनकी कितनी राशि जमा हुई इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसकी पत्रावली तलब कर नियमानुसार जो भी शुल्क बनेगा वसूली की कार्रवाई की जाएगी। बिरला नगर पालिका में क्रेशर मालिकों द्वारा श्री सुखलाल जी साहू और श्री रतनलाल जी सोनी द्वारा जो दो कॉम्प्लेक्स निर्माण किए गए, उसमें नगर पालिका को राजस्व करीब 10 से 12-15 लाख रुपए का राजस्व घाटा दिया है। श्री रतनलाल जी सोनी ने अपने जो कागजात नगर पालिका में पेश किए वो 2000 स्क्वायर फीट जमीन के ही कागज़ थे, उसमें से उन्होंने 607 फीट जमीन का भू परिवर्तन उपयोग जमा कराया था और उन्होंने कुल 4700 स्क्वायर फीट पर कॉम्प्लेक्स निर्माण कर दिया, जो चार मंजिला निर्माणाधीन अभी चल रहा है। इसी प्रकार से श्रीजी प्लाजा के मालिक श्री शिवकलाल जी साहू द्वारा नगर पालिका में जो भू परिवर्तन का जो कागजात पेश किए थे वो 1500 स्क्वायर फीट के ही थे। उन्होंने भी 5200 स्क्वायर फीट जमीन पर अपना कॉम्प्लेक्स निर्माण कर नगर पालिका को लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगाया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार से इन दोनों क्रेशर मालिकों द्वारा जब माइनिंग विभाग ने इनको लीज पर 7.5-7.5 बीघा करीब जो जमीन दी गई थी चरनोट भूमि, उसकी जगह भी इन्होंने 38 बीघा में से 30 बीघा जमीन चरनोट जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसको भी पालिका प्रशासन और उच्च अधिकारी जल्द से जल्द हटाया जाए। चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने रविवार को बिंडर पंचायत समिति के पाणुंद का दौरा किया, जिसमें ग्रामीणों ने समस्या से अवगत कराया।